pobre, gente, eu sou pobre. और ये मैं बाइक लेके आ गया हूँ अभी मस्त, इस पे तेरा में कोटिंग आएगा और एकदम चमक जाएगी बाइक। देखो ये जीशान की बाइक, देखो क्या मस्त लग रही है इधर। प्लास्टिक प्रोटेक्टर है, BMW आई है। एक सवाल बड़ा कॉमन हो गया, मेरे DMs भर गए उस चीज से, निखिल भाई टाइगर कब बेचोगे? या फिर निखिल भाई टाइगर बिल्कुल भी मत बेचना। उसका जवाब मैं सिंपल सिंपल दे देता हूँ, शायद मैं टाइगर कभी ना बेचूं, अनलेस एंड अंटिल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊँ। जो भी जैसा भी तो आगे देखा जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने ब्रेक इन कर दिया है BMW को, 850 किलोमीटर हो गया, 150 किलोमीटर और चलाना है 1000 किलोमीटर के, लेकिन उसके पहले भी मैं सर्विसिंग को दे सकता हूँ। सोचा था कि आज दूंगा, लेकिन कल मैंने अपनी बाइक वॉशिंग को दे दी और सिरेमिक कोटिंग चढ़ाया, जिसकी वजह से बाइक को 12 घंटा रखना पड़ता है। तो अभी कॉफी पीने के बाद मैं और वसीम जाएंगे BMW पिक करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बनाइए लगता है, ये वसीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेरी मम्मी बोलती है, बता मुझे तो तुम लोग कितने लोग कॉफी पीते हो? बोला मम्मी मैं और वसीम, वो शायद कोई आता है, एक बॉटल 3 दिन में खत्म हो जाती है। मैं बोला नहीं मम्मी, ये ग्रिल है, यहाँ पर से लोग आते हैं, हम बेचते हैं कॉफी को। कल दिशा रात को केक लेके आया था, एगलेस, मम्मी एगलेस खाती है। और मैंने मम्मी को बोला कि राइडिंग कर, इतना गंदा नहीं हुआ है, बट यू नो मदर्स धोने का। हाँ वो भी है, मम्मी बोल रही तू कब पहने का, अभी क्या पता, तो धो के रख देती हो, क्या हुआ? बैग नहीं, हल्का है, कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। मैं एक्चुअली अपना हेलमेट जहाँ पर बाइक धोने दिया था वहीं पर रख के आ गया था। एक अच्छी बात पता नहीं कैसे हो गई, मुंबई का वेदर प्लेजेंट हो गया है। एक्चुअली गर्मी के आने के पहले वाला है, थोड़ी सी ठंडी का भपका आता है वो है। अब्दुल भाई अजमेर में बोल रहे थे, भाई अजमेर में भी काफ़ी ठंडा हो गया है, तो अभी ये बस मतलब अभी कुछ दिनों में एकदम पीक वाली गर्मी आ जाएगी। बिना गिराए लेना, बिना गिराए आ गए, आ गए, हम आ गए। खराब हो गई, हेलो लेजिट। हाँ क्या प्यारी लग रही है, अब नहीं है तो नहीं लगेगी ना जिशा। ब्लैक बाइक जो होती है ना, ब्लैक कलर एकदम मिरर्ड फिनिश आ जाता है। और थोड़ा एक हल्की सी प्रॉब्लम हो गई, इसका हाई बीम बंद नहीं हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। ट्रायम में फ़ोन कर दिया है, वो स्विच चेंज कर देंगे। अरे वारंटी है भाई, न्यू बाइक है। जिस इंसान के वजह से मैंने BMW की तरफ गया, BMW से प्यार हुआ, वो है देवशीष घोष उर्फ देवू। पहले से बोलते थे BMW ले, लेकिन अभी आ गई है एंड ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन आफ्टर माय मदर। आई कैन सी दैट लाइक आई एल्डर ब्रदर। और अभी आई एम सो हैप्पी कि मैं देवू को अपना बाइक का चाबी दे रहा हूँ, वांट हिम टू सिट ऑन द बाइक। अगर थोड़ा हाई भी होता तो मैं बोलता, अभी चला के भी हो तो चलाओ, मुझे देखना है। दिस इज सो गुड। लो पे सेटिंग है, हां हां इट्स ओके, हां गुड है। एंड फॉर देवू इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स लो फॉर मी। मैंने लो पर डाला है बिकॉज थोड़ा मुझे सिटी में प्रॉब्लम हो रहा था। 6 feet 3 पे सूट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, दिस इज सुपर्ब, इट्स मच मोर पावरफुल देन माय बाइक। इधर का गार्ड लेना। हाँ अभी देव मुझे बोल रहा है कौन कौन सा एक्सेसरी जरूरी है, फालतू का एक्सेसरी नहीं जो कि इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये वाला बिकॉज बाइक गिरी। इधर के लिए के लिए ये तो तू लगा ही दिया है, दैट इज गुड, और डिजाइन इट दैट वे दैट इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज, बट स्टिल यू टाइट स्टैंड सेंसर है, वो अगर डैमेज हो ऑफरोडिंग के टाइम पे तो बहुत बड़ा फटका है, सुना है मैंने। फटका नहीं है वो, क्या है तुम्हारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा ना। हाँ बाइक स्टार्ट नहीं होगा वो प्रॉब्लम। बाल थोड़े लंबे हो गए, शॉर्ट हेयर लुक चाहिए, और शॉर्ट हेयर लुक के लिए पिन लगाना पड़ेगा। कल देबू को मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज द नेक्स्ट डे एंड वी आर हियर फॉर अ शूट,
इट्स गोना बी अ हेक्टिक डे और आज से मेरा बिजी दिन चालू होता है आज और कल मैं सारे काम खत्म करने बिकॉज टुमारो नाइट लेट नाइट आफ्टर टुमारो अर्ली मॉर्निंग आई एम लीविंग फॉर लंदन लाइफ में फर्स्ट टाइम आई एम गोना यूज रॉड तो पिछले 5.5 घंटे से शूट कर रहे हैं 3 घंटा सो के आने की गलती बहुत बड़ी हो गई है बट चलो कोई नहीं काम काम होता है लुक एट माय हेयर इतने शार्प लग रहे हैं मुझे पता नहीं इससे ज़्यादा बाल मैं बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज मुश्किल हो जाता है बाल को बनाना सबसे ज़्यादा टाइम बाल को बनाने में लग रहा है जो भी जैसा भी देख लेंगे आई विल गो बैक टू माई वर्क अजीब गरीब काम करा रहा तो फाइनली आफ्टर 9 आवर्स ऑफ शूट वी आर डन अभी फटाक से पैक करके मैं जा रहा हूँ इधर बाजू में BMW में कुछ पूछताछ करने के लिए डिस्काउंट उस्काउंट दे रही है नहीं तो जब तक मैं BMW मोटरहेड पहुंचा तब तक वो बंद हो चुका था लेकिन मैंने फ़ोन करके एक्सेसरीज का प्राइस निकाल लिया है प्रॉब्लम अभी मैं ट्रिप से आने के बाद थोड़ा अपग्रेड करने का सोचूंगा पार्ट्स को अब बहुत ही ज़्यादा महंगा है लेकिन देखते हैं कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे फ्रेंड अब्दुस भाई ने अगर आपने मेरा अजमेर का भी व्लॉग देखा था जो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो उसमें अब्दुस भाई को मैंने कन्विंस किया था ट्रायम्फ टाइगर बाय करने के लिए तो उन्होंने ले ली है और अभी अहमदाबाद से एज वी टॉक वो राइड करके आ रहे हैं बट प्रॉब्लम जब तक वो पहुंचेंगे तब तक मैं सोच चुका हूँ बिकॉज ही वो सब कुछ लीव अहमदाबाद बाय 4:30 सब कुछ रीच मुंबई बाय 12 बट अभी निकले हैं वो तो प्रॉब्लम 3-4 सुबह के 5 बजे तक पहुंचेंगे बिकॉज वो स्टॉप ले लेके आएंगे मेरी तरह कोई पकड़ से चला के आता नहीं है तो ये कोरोना वायरस का इतना सीन चालू है ना कि वो सुन सुन के मुझे बुखार टाइप फील हो रहा है बुखार आ नहीं रहा है लेकिन ऐसा वो घबराहट सी होती ना वो हो रहा है और अभी ट्रैवल भी करने वाला हूँ तो मुझे बीमार नहीं पड़ने वाला सबको लग गया कि मुझे कोरोना वायरस हो गया और कुछ तो एक मास्क आता है वो भी मुझे लेना है कल क्योंकि वो फ्लाइट पे वो पूरा टाइम पहन के रखना पड़ेगा आप में से जो लोग भी 2018 के बाद मेरे सब्सक्राइबर बने हैं तो शायद आप लोग देबू को देबूशीष घोष को नहीं जानते होंगे जो इस व्लॉग में था ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर और ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देबू ने सिखाई वो ये कि अगर देखो लाइफ में आगे बढ़ना है तो 2 तरीका होता है वैसे तो बहुत तरीके होते हैं लेकिन 2 मेजर तरीका होता है कि या तो मेहनत से आगे बढ़ो या तो चाट के प्लस मेहनत से आगे बढ़ो चाटना अपने से होता नहीं तो मेहनत से आगे बढ़ा जाए बड़ा देखो चाट के तो नहीं होगा बोलता अगर चाट के नहीं होगा तो बजा के आगे बढ़ चांसेस ये कि तू फेल हो जाएगा लेकिन तू गर्व से फेल होगा और आगे बढ़ गया तो गर्व से आगे बढ़ेगा कल जब मैं और देबू बात कर रहे थे क्योंकि बहुत बिजी हो गया था मैं लाइफ में देबू को इतना मिल नहीं पाया बट ही अंडरस्टैंड कि आई वॉज इज वर्किंग ओवर माई ड्रीम He was so proud when we spoke yesterday. और देबू को खुश होता देख देबू को प्राउड होता देख मुझे प्राउड फीलिंग आई कि भाई मैंने अपने गुरु को अपने बड़े भाई को मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई तुम्हारी शिक्षा मैंने लेके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दी है BMW को मोहब्बत कराने वाला देबू ही था और मैंने काफ़ी मीम पेजेस देखे जो बोल रहे हैं कि मैंने ट्रायम्फ से ब्रेकअप कर लिया देखो भाई ट्रायम्फ टाइगर इज़ एंड ऑलवेज बी अ वेरी स्पेशल मोटरसाइकिल फॉर मी एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू सेल इट मुझे प्लीज़ मेल और DM करना बंद करो बेचो नहीं मुझे नहीं बेचना है जब बेचनी होगी तब मैं डाल भी दूंगा जो लोग इंटरेस्ट हो ले लेना लेकिन फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं आइडिया बेचने का बिकॉज इट्स अ गुड मोटरसाइकिल एंड द लॉट ऑफ प्लेसेस वेर आई कैन नॉट टेक BMW वगैरह टेक ट्रायम्फ टाइगर देवो बोलता है ऐसा नहीं होगा लेकिन जो भी जैसे भी देखा जाएगा तो आज के लिए बस इतना रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग है बिकॉज अभी मुझे सोना है मेरी फटी पड़ी है मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है सो विद दैट सेट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज यहाँ तक देखने के बाद लाइक का बटन जरूर दबा देना एज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मा सलामत टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स आई सी यू होपफुली टुमारो शबा खैर बाय देवो हाँ भाई सो देवो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बट आई हैप्पी फॉर मैंने बीयर नहीं ली चलता है तेरा अपग्रेड होगा अपग्रेड होगा अपग्रेड होगा इसके ऊपर भी अपग्रेड करेगा ना दादा हाँ